हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का डेट जो है अनाउंस कर दिया गया है। आपका एग्जाम जो लिया जाएगा 11 अगस्त 2021 को लिया जाएगा। बहुत ही कम समय है, अब आप लोग तैयारी में लग जाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज हमारा यह टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड का पहला वीडियो है और बिहार बीएड से रिलेटेड डेली आपको यहाँ पर एक वीडियो जरूर मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। और देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, आप चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, थोड़ा सा समय दे करके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ भी उसी प्रकार से आपको चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर आपको अपना उत्तर चुनना है। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी आंसर देने का और चारों ऑप्शन पढ़ करके आंसर दीजिएगा। तो देखिए, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। राइट आंसर इसका हो जाएगा एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। हाँ, अब दिख रहा होगा आपको, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभव के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत बुक लेकर के आया हूँ। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर कौन सी बुक बेस्ट रहेगी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो फ्रेंड्स ये चक्षु का बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 को जो बुक है, काफ़ी खूबसूरत बुक है, बिल्कुल टू द पॉइंट जो बिहार बीएड का सिलेबस है उस पर आधारित यह बुक है। इस बुक को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी दिया गया है, साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं 2100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है इस बुक में। इसके अलावा 3 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी दिया गया है, 2018, 2019 और 2020। आपको एक झलक इस बुक की मैं इंडेक्स दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे ऊपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, उसके बाद देखिए सेक्शन वाइज जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेगा आपको, साथ ही साथ 2100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन भी है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन वन में जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो सब कुछ थ्योरेटिकली दिया गया। इसी प्रकार हिंदी में देख लीजिए, नीचे आइए भाग तीन में तो तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति दिया गया है, भाग चार में सामान्य ज्ञान दिया गया है जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस है। उसके बाद देखिए नीचे आइए तो विद्यालय में शिक्षण अधिगमन वातावरण दिया गया। तो दोस्तों, चक्षु का ये जो बुक है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आपके नियरेस्ट जो बुक स्टॉल है वहाँ पर भी अवेलेबल है, आप चाहे तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही साथ मैंने वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप उस नंबर पर कॉल करके अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए, कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी आंसर देने का चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाज को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है। देखिए, किसी विशेष रूप के लिए, माफ कीजिएगा, किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सभी ऑप्शन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा और इसको मैं जूम कर दूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सब कुछ। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा, देखिए प्रश्न है कि शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य जो है ये होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना, ये वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ आप चारों ऑप्शन मैं आपकी स्क्रीन पर ला दूं, कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये लंबा लंबा ऑप्शंस दिया हुआ, ठीक है, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट करने का प्रयास कीजिएगा इसको। चलिए,
करा है प्रश्न कि आधुनिक शिक्षा के, यहाँ देखिएगा नीचे मैं ला देता हूँ, हाँ, आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है। सारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखिए कोशिश कीजिए आंसर देने का। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य है, नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर, चारों ऑप्शन को, वीडियो को पॉज कर लीजिए और चारों ऑप्शन को पढ़िए, तो शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है, प्रौढ़ शिक्षा का नहीं पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निरक्षरता उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन पढ़ लीजिए, चार ऑप्शन मैं आपकी स्क्रीन पर ला देता हूँ ताकि आपको हाँ दिक्कत ना हो, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कथन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षणिक पद्धति जोर देती है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ध्यान रखेंगे। चलिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं इसका दे दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। देखिए आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होने चाहिए, विद्यालय किस प्रकार से होने चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ, कि एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, किस प्रकार से जो है उसको सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए कि पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सामान्य शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रायः, यहाँ पर देख लीजिएगा ये क्वेश्चन है, प्रायः सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है, आपको चारों ऑप्शन में दिखा देता हूँ, चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है अब बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बताइए। देखिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्रों को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्तमान समय में सोशल स्टडीज शब्द का तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है बताइए फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन को पहले आप पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिए। देखिए चारों ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, हाँ अब आपको दिख रहा है चारों ऑप्शन, ठीक है बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से हो, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया परिचालित होती है, विकास की प्रक्रिया परिचालित होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए और बी दोनों, परिपक्वता द्वारा और पोषण द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा आप अपना जो है सोच का दायरा बढ़ाइए, ये आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, तो फ्रेंड्स देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत दिया हुआ है, चारों ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन नंबर ए बी और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़िए चारों ऑप्शन फिर राइट आंसर बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो बालक संतुलित आहार लेते हैं उनका बताइए क्या हो जाएगा,
बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। जो बालक संतुलित आहार लेते हैं उनका, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास उचित ढंग से होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा संतुलित आहार में शामिल है। यहाँ देखिए प्रश्न ये है, संतुलित आहार में शामिल है, तो संतुलित आहार में क्या क्या शामिल है बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए। राइट आंसर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं वे हैं। यहाँ देख लीजिए ये प्रश्न है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, घरों में बच्चों की संख्या और शिक्षा का स्तर एवं शारीरिक संबंध। उसके बाद देखिए विद्यालय में यदि पक्षपात का वातावरण है तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इससे बालक का शैक्षिक विकास जो है वो अवरुद्ध होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं ताकि ये पूरा इसका आंसर स्क्रीन पर आ जाए। विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे के बताइए पर्यायवाची हैं, विलोमार्थक हैं, भिन्न हैं या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भिन्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 25 क्वेश्चन हमने कवर किया है और डेली मैं आपको एक सेट बिहार बीएड से रिलेटेड दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, मेरा भी सपोर्ट आप पर बना रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।